Almost 6 months of the last academic session were lost due to Kashmir unrest triggered by the abrogation of Article 370 and 35A. अब जो है 6 months के बाद जो है schools फिर से open हुए हैं. Almost 200 days का जो loss हुआ था बच्चों को school में है, तो let's talk to some students and let's see वो कैसा feel कर रहे हैं अभी. आपका नाम? अजरा हिलाल. आप किस स्कूल में पढ़ती है? मैं हनफिया स्कूल में पढ़ती हूँ. ठीक है, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास. अभी जो 6 months का लॉस हुआ है, जो हालात ख़राब थे जिसकी वजह से एकेडमिक्स जो है पूरी तरह से बहुत उन पे बैड इफेक्ट हुआ था, तो अभी आपको क्या लगता है, अभी स्कूल्स रीओपन हुए हैं, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? एक्चुअली सारे लोग वेट कर रहे थे कि स्कूल्स कब रीओपन होंगे. ऐसे ही मैं भी वेट कर रही थी कि स्कूल्स कब. हमें मतलब बोर हुए, सेवन मंथ्स थे हम घर में बैठे थे. और इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इतने दिन तक स्कूल क्लोज होता है. और ये कश्मीर एक वाइड ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल, और यहाँ पे जो मतलब बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों की लाइफ एज वेल एज स्टडीज़ पे. सो हम सारे वेट कर रहे थे इस दिन के लिए कि कब स्कूल रीओपन हो जाएंगे. ठीक है, फाइनली स्कूल्स तो रीओपन हो गए हैं ना, तो खुश है आप? हाँ, बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हम अपनी स्टडीज़ को हम अब स्टार्ट करने वाले हैं. अब पता नहीं कि फिर से मत हालात ख़राब होगी, तो हम दुआ करते हैं कि हम हमारी स्टडीज़ जो कंटिन्यू रहे. रेस्ट होता है ना, तो बच्चे सारे घर में बैठे होते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट एजुकेशन पे ही पड़ता है ना. तो स्टूडेंट जो है ना मेनली वो साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट में होते हैं कि हमारी एजुकेशन सफ़र कर रही है, हमारी लाइफ का क्या होगा, हमारे करियर क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, राइट? तो वो चीज़ कैसी होती है? वो चीज़ एक्चुअली ऐसी होती है जैसे कि हमने पिछले साल देखा कि हम घर में बैठे थे, हम इतना लॉस हुआ हम सोच भी नहीं सकते. अब जिनको फॉर एग्जांपल मैं 9th में थी, पिछले साल मैं 9th का कुछ पढ़ाई नहीं, तो 10th का कैसे पढ़ सकती हूँ. ऐसे बहुत सारे बच्चे वो फिर डिप्रेशन में पड़ जाते, अब क्या करेंगे आगे करियर में. जो पिछला बहुत मतलब जो पिछले वाली क्लास वो इम्पोर्टेंट होती है आगे बढ़ने के लिए. सो हमें बहुत लॉस हुआ. ठीक है, कोई मैसेज है गवर्नमेंट के लिए अपनी एजुकेशन को लेकर? अपनी एजुकेशन ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो कश्मीर में, क्योंकि इससे हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. जब भी कश्मीर में अनरेस्ट होता है तो एजुकेशन सेक्टर गॉट वर्स्ट अफेक्टेड. नाउ हमारे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स है, लेट्स टॉक टू देम एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट दिस. हाय, आपका नाम? मिस बाबिनते सादिक. कहाँ रहते हैं आप? बोनियार में. ठीक है, तो आपको तो पता है ना 7 महीनों से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सफ़र कर रहा था, बंद था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे. स्कूल्स फिर से ओपन हो रहे हैं, ऑर्डर आया है तो विंटर वेकेशंस भी ख़त्म होगी, तो आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट वही हाल कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वजह से कि हम अब स्कूल जाएंगे, फ्रेंड्स से फिर मिलेंगे, फिर वैसे ही होगा जो पहले चल रहा था. वैसे हमने बहुत सफ़र किया इन दिनों में कि घर बैठे बैठे एक तो बोर होना और कुछ बाहर का पता नहीं. आउट ऑफ स्टेट जो बाकी लोग हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम लोग बहुत पीछे हैं इस वजह से. तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस वजह से कि हम अब स्कूल जा रहे हैं, बहुत इंजॉय करेंगे हर एक चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर भी और बाकी चीज़ों को भी लेकर. ठीक है, पढ़ाई की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें अभी तो सबसे ज़्यादा तो सफ़र वही करती है. तो 7 महीने आप घर पे थे, तो कितना लॉस हुआ आपकी पर्सनल आपकी एजुकेशन का? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ पता नहीं था. और जो पीछे वाला था एटलीस्ट वो इंसान को भूल गया कि अब हम आगे क्या करें, हमने पढ़ा क्या है पिछले, अब आगे होगा क्या हमारा. एक हम ना फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब हमें आगे करना क्या है, हम कुछ कर पाएंगे भी कि नहीं, या हम कुछ पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ पाएंगे भी कि नहीं, ऐसे ही कुछ हमारे साथ चल रहा था. लेकिन अब ना हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि स्कूल ओपन हो रहे हैं और हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई को लेकर तो ज़्यादा ही. नाम बताया आप अपना? मेरा नाम गवर है. कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मैं जो हम में रहता हूँ, मैं इनकम टैक्स कर रहा हूँ GDC बारों में. ठीक है, अभी जो जैसे आपको पता है ना एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है बहुत सफ़र कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से. अब जो है 7 महीनों के बाद फाइनली कॉलेज स्कूल्स ओपन हो रहे हैं फिर से, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं. जब हम स्कूल जाएंगे, हम 7 महीने के बाद स्कूल जाने वाले हैं. हम कश्मीर में बहुत सफ़र कर रहे हैं. हम आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हम स्कूल फिर से जाएंगे. का नाम? मेरा नाम वकार है. कहाँ रहते हैं आप? मैं बिन्नर में रहता हूँ और मैं पढ़ता हूँ GDC बारामुल्ला में, BCOM कर रहा हूँ वहाँ पर. ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट अभी आपको पता है कि पढ़ाई फिर से रिज्यूम हो रही है, अभी वेकेशंस भी ख़त्म है, 7 महीनों के बाद एजुकेशन सिस्टम फिर से ठीक होने जा रहा है, सब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो कैसा लग रहा है आपको?
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इस इन सात महीने में सफ़र किया है, हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ये आज की बात नहीं है, ऑलवेज जब भी हमारा पढ़ने का सीज़न आता है तो ये सब होता रहता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से हमें मतलब अब आदत भी हो गई है। अब क्या सात महीने के बाद, यहाँ पर तो एक साल के बाद स्कूल खुलते हैं, अब आदत हो गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत पीछे चल रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे वो बाहर डिग्री कर रहे हैं, वो कंप्लीट करने पर है और हम वहीं पर है, थर्ड सेम ही दे रहे हैं अभी हम यहाँ। अब देखते हैं क्या होगा, अब पता नहीं इस साल हमारी एजुकेशन कैसी चलेगी, क्या रहेगी, कैसी रहेगी, तो देखते हैं, होप सो बेटर। फिलहाल तो फीलिंग तो बेटर है क्योंकि जो सात महीने के बाद जो फील आ रहा है कि कॉलेज स्कूल्स खुल जाएंगे, इससे तो बेटर फील हो रहा है, बट होप करते हैं कि अब इस साल भी कुछ ऐसा वैसा ना हो कि हमारी एजुकेशन फिर से सफ़र करे, क्योंकि हमें बहुत लॉस हुआ है जो सात महीने, इससे हम एक साल पीछे चल गए हैं क्योंकि हमारी डिग्री पीछे जा रही है, इसकी वजह से हमें बहुत टाइम लग रहा है कि डिग्री में भी। कल को जो हमारे साथ पढ़ रहे थे यहाँ पर, जो बाहर कर रहे हैं डिग्री, उनकी डिग्री नेक्स्ट ईयर कम्प्लीट होने वाली है और हम वहीं पर रहेंगे, तो बहुत बैड भी फील होता है और यहाँ से होप्स भी है बहुत सारी, क्योंकि होप तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपका नाम? Ma'am, my name is Sheikh Sahil. Me Sahil. After the long gap of, six months gap of the loss of your education, what do you think? What was it all about? I mean, how do you feel? आपका जो education है पूरा loss हो गया था. अभी schools reopen हुए हैं तो what do you think? Ma'am, keeping your question in view, अगर हम देखेंगे पहले कश्मीर की situations, बहुत ही panic थी. अगर हम देखेंगे जैसे कि बच्चों का बहुत ही loss हुआ, हर एक का loss हुआ. यहाँ तक कि अगर एक laborer को देखेंगे, हम हर एक के लहजे से देख सकते हैं ऑन द डिपेंडेंस, एवरी डिपेंडेंट अगर हम देखेंगे हर एक चीज़ का लॉस हुआ है, मगर मोस्ट ऑफ द इफेक्ट जो है कश्मीर वैली में एजुकेशन पे पड़ा है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है तो कश्मीर वैली है पहले से ही बहुत वास्ट है। अगर देखा जाए जो कश्मीर का सिस्टम है सिंस 2000 अगर हम देखेंगे बहुत ही पीछे चला गया है बिकॉज ऑफ दीज स्ट्राइक्स एंड हड़ताल। अगर देखा जाए जो कश्मीर वैली है हमेशा पीछे बैकवर्ड एरिया में कंसिडर इसको किया जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। The opening of schools after 8 months in Valley has given a brief relief to students. Now we hope that the situation in Kashmir remains peaceful so that the education sector and the education of students will not suffer further. Samaniya Bhat, Kashmir.